critical angle for total internal reflection from a for a medium जिसमें आपको एंगल क्या गिवन है 30 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है मीडियम में? जब आपको क्रिटिकल एंगल सी पता है तो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ से म्यू आ जाएगा। म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एक स्टेप लगाएंगे इसमें, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, क्रिटिकल एंगल पता है तो म्यू आ गया, म्यू 2 आ गया। म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? वी आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है? कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप देखते जाएं, बाकी आपके बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, आराम से बैठ कर ट्राई करना अपने होमवर्क को। पर आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है? जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जिसके अंदर TIR में, देखो हमने इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें सीखी हैं सिर्फ, या तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी या TIR हो जाएगा। अगर लाइट टेंसर से रेयर में आती है, या तो लाइट बाहर निकल जाएगी रेयर में या फिर TIR हो जाएगा, राइट? 2 चीज़ें होंगी। यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल में या तो स्नेल्स लॉ लगेगा या फिर साइन सी इज इक्वल टू 1/μ लगेगा। बस देखना यह है कि किसमें क्या लगेगा, और कभी कभी दोनों इकट्ठे लग जाते हैं। ये क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, क्यूब है और क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। उसको किस में डाल दिया? किसी लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है। एक क्यूब का μ2 है और लिक्विड का μ1 है, एयर में नहीं है। रे इज इंसिडेंट ऑन फेस AB एट एन एंगल ऑफ थीटा एज शोन। तो इसके अंदर ये AB है साइड क्यूब की, रे को हमने हिट करवाया इसमें और रे क्यूब में एंटर कर गई। ये डायग्राम गिवन है, रे क्यूब में एंटर कर गई तो रिफ्रैक्शन हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कितना है? थीटा, और रिफ्रैक्शन कितना है? आर। ठीक है, फिर लाइट रिफ्रैक्ट होके इसको हिट करती है, या तो ये बाहर आ जाएगी या इसका TIR हो जाएगा फिर से। अब क्वेश्चन में वो मैंने हटा दिया, क्वेश्चन में मेंशनड है कि इस सरफेस पे उसका TIR होगा। उसने कहा इस सरफेस पे TIR होगा, यानी कि लाइट बाहर नहीं निकलेगी। क्लियर है यहां तक? तो आपको ये बताना है, फिर ये बताओ एंगल थीटा क्या होगा। उसने कहा यहां पर लाइट एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन है, यहां पर बाहर नहीं निकलती तो रिफ्रैक्शन नहीं है, TIR है। और अगर TIR होगा तो थीटा बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस गिवन है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की सब ऑप्शंस गिवन है। तो ऐसे करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देख के, तो कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम है, जब एक रिफ्रैक्शन हो रही होती है और एक TIR हो रहा होता है, आप नॉर्मल जरूर बनाएं। एक नॉर्मल आपको ये दिखेगा और दूसरा नॉर्मल आपको ये दिखेगा, और दोनों के बीच में हमेशा एंगल क्या मिलेगा? 90। तो अगर आपको ये एंगल R पता है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा? 90 - R, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है? 90, तो बचा हुआ एंगल 90 - R। क्लियर है यहां तक? अब मुझे ये बताएं, क्योंकि यहां TIR होगा और रे ऑफ लाइट मान लो सीधी चली गई, और अगर सीधी चली गई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा नॉर्मल के साथ? क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? क्रिटिकल। तो यानी कि आपका एंगल कम से कम 90 - R तो होना ही चाहिए। हाँ, इसे बड़ा हो गया फिर तो TIR होगा ही होगा, कम से कम 90 - R तो है ताकि लाइट बाहर ना निकले। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसका नाम क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? ठीक, तो इसमें आपको कुछ नहीं आता। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन देख लूं कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। एक ही रूल याद रखना है, जहां तो रिफ्रैक्शन है वहां लगेगा स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ क्या है? μ1 × sin θ, μ2 × sin r, एक। और दूसरा, जहां TIR हो रहा होगा वहां साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, बस 1/μ, और साइन ऑफ सी में सी को क्या पुट करेंगे? 90 - R। तो दो ही इक्वेशन बनेंगी, और यहां से साइन थीटा को कैलकुलेट करना है, तो वही किया मैंने इसमें। तो पहली इक्वेशन मैंने बनाई μ1 × sin θ, μ2 × sin r, μ1 × sin θ, μ2 × sin r, राइट? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा
और साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, ये रही, कोई उसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो ये इक्वेशन कहां से बनी? स्नेल्स लॉ से। क्लियर है यहां तक? अब दूसरी इक्वेशन क्या लगेगी? टीआईआर की। टीआईआर में क्या लगेगा? म्यू। म्यू में नीचे कौन आता है? डेंसर। ऊपर कौन है? रेरर। क्योंकि टीआईआर मीडियम टू में हो रही है, तो टू इज डेंसर, वन इज रेरर, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? टू म्यू वन इज इक्वल टू वन बाय साइन सी। लेकिन सी की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 90 माइनस आर। क्लियर है यहां तक? साइन ऑफ 90 माइनस आर क्या होता है मैथ्स में? कॉस आर। और इसको ब्रेक करके लिखें, टू नीचे है तो टू ऊपर, वन ऊपर है तो वन नीचे, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? कॉस आर। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कॉस आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? लेकिन मेरे को क्या निकालना है? साइन थीटा। कॉस आर तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक काम करते हैं, यहां से कॉस आर को लिख लेते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर आर, चलेगा? ये देखो, क्योंकि कॉस आर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर आर इज कॉस स्क्वायर आर का अंडर रूट। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने साइन आर को एलिमिनेट करना है, हमें तो साइन थीटा निकालना है। तो एक काम करते हैं, पूरे साइन आर की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो आंसर किसमें आ जाएगा? साइन थीटा की फॉर्म में आंसर आ गया बस। तो ये देखो, यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस आर ले लिया, कॉस आर को लिखा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर, इस साइन आर की वैल्यू को यहां से उठाया और यहां पुट कर दिया इसका होल स्क्वायर, बस फिर कैलकुलेशन है स्क्वायरिंग करके साइन थीटा निकाल लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो ये रूल समझ में आया, कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, बस एक ही रूल याद रखना है, रिफ्रैक्शन जहां हो रही है वहां स्नेल्स लॉ, तो वहां से म्यू का रिलेशन निकलेगा, और जहां टीआईआर हो रहा है वहां साइन सी इज वन बाय म्यू, तो जो म्यू आप रिफ्रैक्शन से निकालोगे वो टीआईआर के म्यू में पुट कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ लगेगा, चेक करो। देखो क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आई इज इक्वल टू टू टाइम्स आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल दो। साफ पता लग रहा है क्वेश्चन स्नेल्स लॉ पे है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, सिंपल। म्यू इज इक्वल टू साइन आई, देखो आर को आप क्या पुट कर सकते हो? जो आर है उसको पुट कर सकते हो आई बाय टू, आई इज टू आर, तो आर इज आई बाय टू। ठीक है यहां तक? मैथ्स का फॉर्मूला है, मेडिकल वाले लोग देख लेंगे, साइन आई को लिख सकते हैं मैथ्स में टू साइन आई बाय टू इन टू कॉस आई बाय टू, राइट? क्लियर है यहां तक? एज इट इज, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला है साइन ऑफ टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा, तो सोचो अगर ये आई है तो आई बाय टू और आई बाय टू ऐसे, तो ये टर्म क्या हो गई? कैंसल, कैंसल हो गई, तो मेरे पास क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू टू इन टू कॉस ऑफ आई बाय टू, एंगल आई बाय टू, तो मेरे को आई निकालना है, तो एक काम करते हैं म्यू बाय टू इज कॉस ऑफ आई बाय टू, या आई बाय टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाय टू, टू इधर आ गया तो आई विल बी इक्वल टू टू कॉस इनवर्स म्यू बाय टू। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो कैसे आई की वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन में से? ठीक है यहां तक क्लियर है? तो ये आप एक बार चेक करना, सब किया हुआ है इसमें, साइन आई की जगह टू साइन आई बाय टू कॉस आई बाय टू, सॉल्व करके आंसर।
मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बार देखो जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ आई, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। तो द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर आर एंड आर डैश, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो ये ऑप्शंस हैं, ऐसे नहीं दिखेगा आपको, पहले डायग्राम देखते हैं। मैंने डायग्राम में क्या कहा, रेयरर डेंसर, रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से चलती है, डेंसर से चली, ये आपका नॉर्मल है। कुछ लाइट का पार्ट क्या हो गया रिफ्लेक्ट और कुछ क्या हो गया रिफ्रैक्ट, सही है यहां तक? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर बराबर होंगे, उसने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है तो आर, और रिफ्रैक्शन आर डैश है तो रिफ्रैक्शन आर डैश है। और यह भी कहा एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज इक्वल टू वॉट 90, कोई डाउट इसमें? एंगल क्या होगा इसमें 90, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो डायग्राम में कोई डाउट? ठीक है, अब आपको इसमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है क्रिटिकल एंगल का, क्या? साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। इसमें दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक तो वो कह रहे क्रिटिकल निकाल दो, हालांकि इसमें TIR हो नहीं रहा, पर कह रहे कि अगर होता तो क्रिटिकल क्या होता, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, पर हो क्या रहा है रिफ्रैक्शन, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ, क्या लगेगा? म्यू ऑफ डेंसर साइन ऑफ आई, म्यू ऑफ रेरर साइन ऑफ आर डैश। और इस क्वेश्चन के अंदर आर डैश और आर का सम 90 होगा, क्यों? क्योंकि आर डैश प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो आर डैश प्लस आर का सम क्या होगा 90। करें स्टार्ट, ये देखो, तो इसके अंदर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये डेंसर है और बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बाय डिफॉल्ट 1, तो बोलो स्नेल्स लॉ क्या लगेगा, म्यू ऑफ म्यू इस डेंसर का मीडियम का म्यू म्यू है, म्यू ऑफ साइन आई इज इक्वल टू 1 into sin r dash। तो ये रूल पहला क्लियर है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा साइन आई बाय साइन आर डैश। तो ये इक्वेशन रिफ्रैक्शन से बनी, दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी TIR से, हुई नहीं है पर फॉर्मूला तो फिर भी वैलिड है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, तो यहां से साइन सी इज 1/μ, पर 1/μ तो निकाल चुके रिफ्रैक्शन से, तो यहां से 1/μ की वैल्यू को उठाओ और यहां पे पुट कर दो, तो क्या बनेगा साइन सी, या ऐसे कह लो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम है, इक्वेट कर दिया, एयर का तो बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है मीडियम तो वो एयर लिया जाता है जो कि 1 होता है ना, कुछ मेंशन नहीं है, नहीं तो मेंशन करता वो कि वाटर है लिक्विड है कुछ मेंशन करता। तो यहां से आर डैश की फॉर्म में आंसर गिवन नहीं है, आर डैश को क्या लिख सकते हैं, आर डैश को लिख सकते हैं 90 - r, आर डैश को 90 - r, लेकिन r और i बराबर हैं, तो या तो 90 - r या 90 - i एक ही बात है, तो मैंने आर डैश को क्या लिख लिया 90 - i, तो साइन ऑफ 90 - i क्या है cos i, साइन आई बाई कॉस आई क्या है टेन आई, सी क्या है साइन इनवर्स टेन आई, टेन आई लिख लो या आर लिख लो एक ही बात है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में प्रॉब्लम TIR नहीं है, प्रॉब्लम स्नेल लॉ भी नहीं है, प्रॉब्लम है कैलकुलेशन, वो किस फॉर्म में ऑप्शन देगा
किस फॉर्म में प्रूव करने को देगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। करना कुछ नहीं है सच बताऊं, रिफ्रैक्शन का स्नेल लॉ लगाओ, TIR से म्यू निकाल लो, दोनों म्यू को इक्वेट कर दोगे तब भी बात बन जाएगी आपकी। हाँ बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट बात समझ में आ रही है कि कैसे सोचना है इसमें, यानी कि दो ही फिनोमेना लगेंगे, या रिफ्रैक्शन का स्नेल लॉ या फिर TIR।